राजस्थान अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले न्यूज 21 में। हमारे खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजीव गांधी युवा मित्र राजकुमार गुप्ता के निधन पर लालसोट जाते समय पूर्व सीएम अशोक गहलोत का दौसा में स्वागत किया। इस अवसर पर मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनते हुए 5000 राजीव गांधी युवा मित्रों को हटा दिया गया। वह काम सरकार का ही कर रहे थे, उन्हें नहीं हटाना चाहिए था, भले ही योजना का नाम बदल देते, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। और जिस व्यक्ति ने पूरे 5 साल तक हमारी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, जगह जगह धरना प्रदर्शन किया, और जब राजीव गांधी युवा मित्र मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निवास पर पहुंचे तो उनके साथ बदसलूकी कर धरना दे रहे लोगों को भगाया गया। हमें उनसे ये उम्मीद तो नहीं थी कि आंदोलनकारी का दर्द किरोड़ी लाल मीणा नहीं सुनेंगे, ऐसी हमें उम्मीद नहीं थी। राजीव गांधी महिला मित्रों को भी पुलिस के पुरुष जवानों ने घसीटा और बदसलूकी की। इस अवसाद में बेरोजगार राजीव गांधी युवा मित्र राजकुमार की मौत हो गई, लेकिन भाजपा के कोई नेता कोई मंत्री नौजवान के घर सांत्वना देने नहीं पहुंचा। ये युवा मित्र सरकार की जनकल्याणकारी योजना आम जनता तक पहुंचाने का काम करते थे। सरकार बदल गई तो इस सरकार का भी जो योजनाएं थी उन्हें आम जनता तक पहुंचाने का काम करते, लेकिन सरकार बदलते ही उन सबको बेकार कर दिया। अब उनके घर वालों पर क्या बीती होगी, इसी अवसाद में नौजवान की मौत हुई है। साथ ही जो यूपीए की सरकार के खिलाफ किसानों के लिए कानून की मांग कर रहे थे, आज वही किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। अंत में गहलोत ने कहा कि किसानों को न्याय मिलकर रहेगा, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। लगभग 5000 लोगों को सरकार बनते ही उनको निकाल दिया गया। राजीव गांधी युवा मित्र काम क्या कर रहे थे, सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचा रहे थे, घर घर पहुंचा रहे थे। नई गवर्नमेंट आ गई है मान लो तो भी वही वही काम करते हैं, नई गवर्नमेंट जो काम देती वो करते हैं। अब उसके बाद में कोई बिना सोचे समझे आप लोगों ने उन बेचारों को घर बैठा दिया। नौजवान वो लोग हैं, क्या उनके परिवार बीतर ही होगी। और आप बताइए मुझे भैया, राजीव गांधी के नाम से आपको तकलीफ है, आप मोदी के नाम से कर लेते और किसी नाम से कर लेते, आप इस प्रकार से उनको घर बिठा दो, ये कहाँ का न्याय है। धरना दे रहे हैं उनको बार बार, पुलिस तंग कर रही, उठा रही उनको। और तो और आपके जो इनकी पार्टी के मंत्री जी हैं जो जिंदगी में धरने देते रहे वो, और अब उनके घर पे महिला चली गई राजीव गांधी युवा मित्र की, उनको रात को घसीट घसीट कर ले गए, पुरुष कांस्टेबल ले गए उनको। अभी करोड़ी मीणा जी जो है कितने धरने दिए उन्होंने जिंदगी के अंदर हमारे वक्त में, हर बात में धरना देते थे वो, उनके घर पे धरना लग गया और वो पुलिस जाकर के घसीट घसीट कर महिलाओं को ले आ रही है। तो वही करोड़ी मीणा जी को मैं कहना चाहूँगा, भाई आपसे तो उम्मीद नहीं थी, और आपके मंत्रिमंडल रहते हुए ये कैसे इनको निकाल दिया गया, इसका जवाब दे। वो इसका जवाब दे, इस नौजवान अवसाद में आके मर गया बेचारा, कोई सहानुभूति नहीं, कोई मंत्री के घर तक नहीं गया पूछने के लिए, ये कहाँ का न्याय है। ऐसी सरकार जो असंवेदनशीलता बरत रही, अभी से ही अभी तो शुरुआत हुई है। हम सब उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री से, नए प्रथम बार MLA बने हैं, उनको मौका मिला है मुख्यमंत्री बनने का, तो वो इस प्रकार से संवेदनशीलता से काम करेंगे। तो मैं बहुत दुख है, इसलिए हम उनके घर जा रहे हैं।